आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लॉकडाउन के 19वें दिन पंजाब से आज एक हैरान करने वाला वीडियो आया है। पंजाब के पटियाला में आज सुबह पुलिस वालों पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ। पटियाला की सब्जी मंडी में आज सुबह चार लोग बिना पास जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में एक पुलिस वाले का हाथ कट गया है जबकि चार और पुलिस वाले घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर निहंग सिख थे। पुलिस वालों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये तस्वीर आप देखें, बेहद हैरान करने वाला ये पूरा हादसा है, ये पूरी घटना है जहां पर पटियाला में पुलिस पर तलवार से हमला किया गया। ये दबंग है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। दरअसल पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे, बिना पास जो मंडी में घुसने की कोशिश कर रहा था उसे रोकने की कोशिश में थे, लेकिन किस तरीके से इन पुलिस वालों पर हमला हुआ वो तस्वीरों में देखिए। इन तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस वालों पर तलवार से अटैक हो रहा है। आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में तलवार है। आप इस सर्कल के अंदर अगर ध्यान से पर्सनल चल दिया हो गया सब्जी मंडी तो हाथों में तलवार नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे निहंग सिख बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सब्जी मंडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब कोरोना हमला करेगा ना तो तलवार से कोरोना को वो मात नहीं दे सकते। आपने देखा पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुस गए और उसके बाद कैसे पुलिस वालों पर हमला किया। पटियाला की शर्मसार करने वाली तस्वीर जहां पर आपने देखा कि कैसे तलवार से पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा कि यह गलत है, तभी उन्होंने अपनी कृपाण से हमला कर दिया जिसमें SHO सदर पटियाला की कोहनी में चोट लग गई, एक पुलिस वाले के हाथ में चोट लगी, एक ASI का हाथ कट गया है। पटियाला के सब्जी मंडी में पुलिस बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि कोई बिना पास के भीतर ना घुसे, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ पास वाला व्यक्ति अंदर जाऊंगा, मोटरसाइकिल स्कूटर पैदल कोई भी अंदर जान की इजाजत नहीं किसी को। पुलिस प्रशासन को सहयोग देवो, सख्ती कर ली मजबूर ना करो। थोनों बार बार बेनती की जाती है के पुलिस प्रशासन को सहयोग देवो, सहयोग। सिर्फ ते सिर्फ पास वाला व्यक्ति अंदर जाऊंगा, मोटरसाइकिल स्कूटर पैदल कोई भी अंदर। संवाददाता इंदर सबरवाल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। इंदर, पूरी घटना का ब्यौरा दें, किस तरीके से पुलिस वालों पर हमला हुआ है। जी मीनाक्षी, आपको बता दें कि सुबह 6 बजे के लगभग की घटना है, जब निहंग सिंह सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु पुलिस वालों ने उनसे पास दिखाने के लिए कहा। तो निहंग सिंहों के पास में पास नहीं था जिसके चलते वो जबरदस्ती अंदर जाने के लिए करने लगे, जिस पर पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, परंतु निहंग सिंह जो थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जिससे उन्होंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने भी आगे से थोड़ी सख्ती दिखाते हुए उनको रोकने की कोशिश की, तो निहंग सिंह का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने कृपाण उठाकर पुलिस पर ही हमला बोल दिया। जिसके बाद उसके बाद में वो अंदर को एंटर कर चुके थे, पर उसके बाद पुलिस जब दूसरी पुलिस फोर्स आई, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वहां पे मौके पर मौजूद जो पुलिस कर्मी थे उसका हाथ तक कट के सड़क के ऊपर गिरा हुआ है। तो इसके बाद में पुलिस में एकदम वहां पे हड़बड़ मच गई, सनसनी फैल गई, तो इसके बाद में पुलिस फोर्स बुलाई गई। इतने में निहंग सिंह जो थे वहां से भागने में कामयाब रहे, भागने में कामयाब हो गए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका इंदर। एक बार फिर से आपकी तस्वीर देखिए,
पुलिस ने सब्जी मंडी में घुसने से रोका तो बेकाबू होकर पुलिस पर हमला कर दिया, हाथ तक काट दिया पुलिस का। निहंग सिंह को तलवारा चल दिया हुई है। आप देख रहे हैं ये वीडियो जो वहां पर मौजूद लोगों ने बनाया। ये दूसरे एंगल से आप वो तस्वीर देखिए, जब यहाँ पर सब्जी मंडी में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई थी, और ये बैरिकेडिंग इसलिए की गई कि जिनके पास पास है वो अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास पास नहीं है उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग तोड़कर वो अंदर दाखिल होने लगे।